तो महाराष्ट्र की राजनीति के इस तेजी से बदले घटनाक्रम के क्या सियासी मायने निकलने वाले हैं देश में। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीटें लोकसभा की हैं महाराष्ट्र में, और क्या इसके सियासी मायने होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप कौशल वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही नितिन सावंत वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपका रुख करना चाहूंगा। घटनाक्रम आप लगातार देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति एकदम अपसाइड डाउन नजर आ रही है इस समय, क्या कुछ इस सियासी घटनाक्रम के मायने हैं, और एक साल सवा साल का करीब वक्त बचा है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने और आने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं इसके लिए? देखिए, कांग्रेस बड़े उत्साह के साथ बाकी विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रही है, प्रयास है कि वो नेतृत्व संभाले, बागडोर संभाले, और अगर सब लोग सहमत हो जाएं तो राहुल गांधी का नेतृत्व जो है उसके अंदर अगला चुनाव लड़ा जाए महाराष्ट्र बाकी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन लोगों के साथ कांग्रेस बैठक कर रही है, अधिकतर दल पहले से ही कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ उनका लंबा इतिहास है तालमेल का, मिलकर चुनाव लड़ने का, लेकिन महाराष्ट्र उसमें से एक अलग राज्य माना जाएगा जहां एक नया सहयोगी दल उन्हें शिवसेना के रूप में प्राप्त हुआ। दूसरा, वहां भाजपा का जो प्रदर्शन था पिछले लोकसभा चुनाव में वो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। तो ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ये आशा कर सकती थी कि उसके पास कुछ नए गेंस आएंगे, फ्रेश गेंस कहीं अगर आएंगे तो महाराष्ट्र से आएंगे। लेकिन ये जो अब टूट हुई है एनसीपी ने, एनसीपी के अंदर शिवसेना के बाद, इससे वो जो इनका गणित है, जो आंकड़ा है, वो मुझे लगता है वो गड़बड़ा गया है। अब समीकरण इस प्रकार का बन रहा है कि तीन दलों के मुकाबले तीन दल, यानी दो ऐसे दल जिनके लिए दावेदारी एक पार्टी के भीतर का वर्ग भी कर रहा है। तो ये लोकसभा के चुनावों के लिए मुझे लगता है इसको देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, बहुत ही दिलचस्प होगा। प्रदीप कौशल जी, मैं रुख करना चाहूंगा, नितिन सावंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावंत साहब, महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये तो बहुत ही विचारधाराओं का घालमेल है, क्योंकि एनसीपी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही, और अब जो कह रहे हैं अजित पवार की, वो तो दरअसल पार्टी ही लेकर आए हैं, क्या माना जाए कि क्या वाकई में जो वो कह रहे हैं वो सच है, क्या शरद पवार के इशारे पर या शरद पवार की अनुमति से ये सब हुआ है, या इसके पीछे अभी बहुत सारी चीजें परत दर परत सामने आना बाकी है? कर्नाटक के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी जरा हड़बड़ा गई है, उनको महाराष्ट्र से 40 से ज्यादा लोकसभा सीट लानी है और देश भर में उनको 400 से ज्यादा सीट लाना है। ये 48 में से 40 सीट लाने के लिए जो जो करना है वो करने को बीजेपी अभी तैयार है। इसके पहले एकनाथ शिंदे का गुट फूटा, उनके साथ में 40-50 एमएलए आए, लेकिन शिवसेना संगठन उनके साथ में नहीं आया। अभी अजीत दादा का जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि अजीत दादा के साथ में संगठन है, अजीत दादा के साथ खाली एमएलए नहीं है। यहां पर दूसरी बात ऐसी है कि बीजेपी को, शिवसेना को कैसे भी करके बाहर रख के अपने 40 से ज्यादा एमपी दिल्ली भेजने, इसलिए ये अलग अलग प्रयोग जारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के टाइम जनता क्या तय करेगी ये अभी आप हम बता नहीं सकते। सावंत साहब, लेकिन अजीत पवार जो कारण बता रहे हैं कि दरअसल विपक्ष की जो विचारधारा है वो टूटी हुई है, फूटी हुई है, किसी तरीके से उसमें एकता नहीं है, और दरअसल मोदी जी का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, उससे आकर्षित होकर उन्होंने ये बदलाव किया, क्या यही वजह है, या दरअसल इसके पीछे जो सियासी लाभ है, अवसर है, वो एक बड़ा कारण है? ये तो दिख रहा है ये जब पार्टी से फूटते हैं, जब विचारधारा की बात होती है। लेकिन जरंडेश्वर जो सातारा का कारखाना है, वो कारखाने के बारे में उनकी ईडी इंक्वायरी होने वाली थी, दूसरे जो मंत्री उनके साथ में गए हैं, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, उनके उनके खिलाफ तो ईडी की इंक्वायरी भी हुई, ईडी की रेड भी गिरी थी। ये सब ईडी और ये सब केंद्रीय यंत्रणा को डर के आमदारों एमएलए का दबाव था कि आप बीजेपी के साथ जाए। दूसरी बात ऐसी कि जो शरद पवार के करीबी है प्रफुल्ल पटेल, वो भी साथ में गए हैं, उनके वर्ली के प्रॉपर्टी में इकबाल मिर्ची के साथ उनका व्यवहार हुआ था, ऐसा आरोप है। इसीलिए बीजेपी के साथ केंद्रीय यंत्रणा के यंत्रणा को डर के लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं।
सावंत साहब, जिस तरीके से आपने भी कहा, लेकिन मैं प्रदीप कौशल साहब का भी रुख करना चाहूंगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से घटनाक्रम बदला, 2019 के अंदर चुनाव हुए थे, नवंबर 2019 के बाद से कहा जाए कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा था, क्योंकि उस समय महज कुछ दिनों के लिए सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस की और अजित पवार उस समय डिप्टी सीएम बने थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार में वो डिप्टी सीएम बने रहे और अब एक बार फिर वो डिप्टी सीएम बने हैं। पाले बदलते रहे, कुर्सी वही रही, लेकिन क्या ये माना जाए कि 2019 के बाद से ही वो बीजेपी के टच में बरकरार थे? देखिए, नेता लोग जो है वो अपना जो व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा होती है उसके ढांपने के लिए हमेशा सिद्धांत की, नीति की और उसकी बात करते हैं, लोगों की जनसाधारण के कल्याण की बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर ये विभाजन इसलिए हुआ है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के भीतर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है और अजीत पवार जिनको प्रदीप जी मैं रोकना चाहूंगा, आपको दर्शकों को जरा बता दें कि अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उसमें डिप्टी सीएम का पद लेने के बाद क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सभी में सब आते हैं, पवार के आशीर्वाद के सवाल पर जो जवाब दिया उन्होंने वो बहुत सारे गंभीर मायने रखता है। उन्होंने कहा हमें सभी का आशीर्वाद हासिल है। ये बड़ा बयान अजीत पवार की तरफ से आया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी सियासी हलचल, शिंदे सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल होने के बाद अजित पवार ने कहा है कि उन्हें सभी का आशीर्वाद है और सभी में सब आते हैं। जब उनसे पूछा गया तो कि क्या इस बदलाव के पीछे शरद पवार की भी अनुमति है, क्या उनका भी आशीर्वाद है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। अजित पवार ने कहा कि पवार के आशीर्वाद के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें सभी का आशीर्वाद हासिल है, सभी का आशीर्वाद और सभी में सब आते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, अश्विन पांडे जीनू संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं लेकिन अभी तक शरद पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, सुप्रियो सुले की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अजित पवार तो कह रहे हैं कि उनको पवार समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, सभी जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका समर्थन और आशीर्वाद हासिल है। जी बिल्कुल, हमारे मन में यही सवाल था कि आखिरकार क्या जिस तरह से 2019 में एक शपथ विधि हुई थी सुबह सुबह, उस वक्त लगातार देवेंद्र फडणवीस से दावा करते रहे कुछ दिनों पहले तक कि उसमें भी शरद पवार की हामी थी और इसके बाद जो है सब कुछ जो है उनके साथ खेल हुआ और वो सरकार गिर गई। इस बार इस बात को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे कि क्या इस बार शरद पवार की जो है सहमति है या नहीं, ये सवाल हम लगातार अजीत पवार से पूछ रहे थे। हालांकि उन्होंने अजीत पवार ने साफ तौर पर शरद पवार का नाम नहीं लिया लेकिन ये जरूर कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति है और इसी आधार पर पूरी एनसीपी इस सरकार में शामिल हुई है। उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि आपके साथ कितने विधायक हैं जो साथ में आए हैं तो उनका कहना था कि सभी विधायक हमारे साथ आए हैं, नंबर्स यहां पर इसलिए नहीं बताए जा सकते क्योंकि कोई भी छूटा नहीं है, यानी कि जितने भी विधायक चुनकर आए थे वो सब इस वक्त अजीत पवार के साथ सरकार में शामिल हुए हैं। इसके अलावा हम लगातार सुप्रिया सुले से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह उनका एक कार्यक्रम था पुणे के लिए रवाना हुई थी लेकिन ये सब होने के बाद से ही वो संपर्क में नहीं है, उनका फोन लगातार बंद है। क्या वो मुंबई वापस आ गई है इस बात को लेकर भी सवाल चल रहे हैं। कुछ देर में उम्मीद जताई जा रही है कि पुणे से शरद पवार निकले हैं, वो मुंबई पहुंचने वाले हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि जो विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है अजीत पवार के देवगिरी बंगले पर, वो चूंकि विरोधी पक्ष नेता होने के नाते विरोधी पक्ष नेता अपने विधायकों को बैठक के लिए बुला सकता है इसलिए उन्हें बुलाया गया है। लेकिन उस बैठक के खत्म होते ही तत्काल अजीत पवार अपने समर्थक जो विधायक थे उनको लेकर सीधा राजभवन पहुंचते हैं, वहां पर शपथ विधि में शामिल होते हैं, नौ मंत्री जो है एनसीपी से शपथ लेते हैं जिसमें 2019 के जो शपथ ग्रहण का आपने जिक्र किया उसके बाद पवार की नाराजगी सामने आई थी, उसके बाद ही महाविकास आघाड़ी जो है वो बना, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार बनी। क्या अभी भी यह माना जाए कि शरद पवार की इसको अनुमति है या नाराजगी है इसमें, इसको लेकर कहीं कुछ पत्ते साफ हुए हैं? जी देखिए, जब तक शरद पवार की तरफ से कुछ जवाब नहीं आता कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि अजीत पवार साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति है और हमने जब उनसे सीधे पूछा कि क्या उन वरिष्ठ नेताओं में शरद पवार शामिल है तो उनका कहना है कि वरिष्ठ नेता जब वो कहते हैं तो उसमें शरद पवार साहब भी हैं। इसे ये कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि शरद पवार की सहमति हो, चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ ही राजभवन में जो शपथ विधि हुई वहां पर प्रफुल्ल पटेल शामिल थे और प्रफुल्ल पटेल राइट हैंड
मैन माने जाते हैं, शरद पवार के सबसे बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं, और कुछ दिनों पहले ही प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एनसीपी में नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में शरद पवार के बेहद करीबियों में से शामिल एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, साथ ही राजभवन में शपथ विधि के दौरान मौजूद थे। तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो ना हो इसमें शरद पवार की सहमति जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने कुछ देर पहले ट्वीट किया कि उनकी बात शरद पवार से हुई है और शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि वो इसमें उनकी सहमति नहीं है, विधायकों से बातचीत करेंगे, तो अभी तक पेच फंसा हुआ है। जब तक खुद शरद पवार की तरफ से इस पूरे मामले में उनका स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि शरद पवार ने इस पूरे जो है घटनाक्रम पर उनकी सहमति रही है सरकार में शामिल होने के, अजीत पवार के फैसले को उनकी सहमति रही। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का शामिल होना बैठक में, प्रफुल्ल पटेल का राजभवन में शामिल होना, मौजूद रहना, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहना, ये कहीं ना कहीं शरद पवार की सहमति की तरफ इशारा जरूर करता है। जी जी अश्विन, आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही नितिन सावंत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के साथ में अजीत पवार जो हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें सबकी सहमति है, एक तरफ शरद पवार पटना जाते हैं विपक्ष की बैठक में शामिल होते हैं, वहां पर विपक्ष के एकजुटता के में भूमिका अदा करते हैं, और यहां पर उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के साथ में सरकार में शामिल हो जाते हैं, क्या गुत्थी है ये? तो बात मैं बताया आपको कि प्रफुल्ल पटेल जैसे शरद पवार के नजदीकी नेता वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जो दिलीप वलसे पाटिल, वो पवार शरद पवार उनकी जो करियर है वो शरद पवार के पीए करके शुरू हुई, बाद में सुनील तटकरे जो शरद पवार के बहुत करीबी माने जाते हैं उनकी बेटी शपथ ले रहे, इसका मतलब साफ है कि शरद पवार जी का इस सरकार को बाहर से आशीर्वाद जरूर है। दूसरी बात ऐसी है कि शरद इसके पहले भी अजीत पवार ने प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास जो 2019 में जो प्रयास हुआ था वो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति राजवट न लगे इसीलिए प्रयास हुआ था, ये तो अभी एनसीपी का आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाने का प्रयास शुरू हो गया है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप सावंत साहब। मैं प्रदीप कौशल जी आपका भी रुख करना चाहूंगा, जरा एक बात बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये महाराष्ट्र की राजनीति का तो रुख इसने बदल ही दिया, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात की जाए तो ये जो महाजुटान की कोशिश हो रही थी, विपक्ष की एकजुटता की जो कोशिश हो रही थी, वो तो बुरी तरह से दरक गई है इस घटना से। बिल्कुल, और शरद पवार जी की जो स्थिति है वो काफी इससे वो कमजोर हुए हैं राजनीतिक तौर पर, और वो जो जिस आत्मविश्वास के साथ वो आगे बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे विपक्षी दलों को एक साथ करने में, मुझे लगता है कि उसको काफ़ी लगाम लगी है इसके साथ शरद पवार जी के लिए, और दूसरा उनका जो अपना मनोबल है ये कहीं ना कहीं उसको हिलाने वाली घटना है। अगर जहाँ तक उनके आशीर्वाद की बात है, मुझे लगता है अगर उनका आशीर्वाद होता तो वह सशरीर आशीर्वाद देते, और लेकिन अपने पास बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आशीर्वाद था तो फिर वो वहां गैर मौजूद क्यों थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी आई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री, डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है, ये अभी पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी, उनका स्वागत करता हूँ, निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फूट कर गए थे वो डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी, उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। तो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई,
आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितने नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना है, चाहे गरीब किसान वंचित शोषित पिछड़े बहुजन कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। हम ग्राउंड जीरो पर भी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी अश्विन पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां अजित पवार ने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। अश्विन, जिस तरीके से अजित पवार पूरी सफाई दे रहे थे, लेकिन वो विपक्ष खेमे में बने रहे, इस दौरान वो लगातार बीजेपी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो लगातार संपर्क में थे देवेंद्र फडणवीस के, एकनाथ शिंदे के, और जिस तरीके से वो तारीफ कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो विपक्ष खेमे में रहते हुए काम कर रहे थे बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार के लिए। जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जो कुछ स्टेटमेंट आए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर अजीत पवार की नज़दीकी उसमें दिखाई दे रही थी, साथ ही केंद्र सरकार को लेकर भी उनकी नज़दीकी या केंद्र सरकार के अलग अलग जो महत्वपूर्ण काम रहे उस पर भी जो टिप्पणी आती रही अजीत पवार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनका झुकाव दिखाई दे रहा था। जिसमें अगर हम बात करें यूसीसी को लेकर भी वो पहले स्टेटमेंट करते रहे, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट आया। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी जो है इनकी तरफ से वक्तव्य किए जाते रहे हैं उसके पक्ष में। तो ये जो बातें थी, जो लगातार झुकाव था, वो इस बात का कहीं ना कहीं गवाही आज जो है देती है कि पहले से ही सब कुछ बातचीत चल रही थी, जो अब जाकर उसको अमली जामा पहनाया गया है। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि शरद पवार का भी स्टेटमेंट, खासतौर पर जब अडानी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, अडानी जो शेयर गिरा था उसको लेकर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, जो रिपोर्ट जो है आई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस वक्त अडानी के फेवर में जो है शरद पवार सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल हो या उद्धव ठाकरे हो, ये सवाल खड़े कर रहे थे, तो उस वक्त शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी की डिग्री से आखिरकार क्या लेना देना है, डिग्री किसी की हो नहीं हो इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। तो उस मुद्दे को भी शरद पवार ने नीचे पूरी तरह से विपक्ष के मुद्दे को खत्म किया, अडानी के मुद्दे को कहीं ना कहीं खत्म करते नजर आए शरद पवार। तो ये बात तभी से उसके संकेत मिलने लगे थे कि कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के खेमे में जाने या उस तरफ का झुकाव ये एनसीपी की तरफ से दिखाई दे रहा था। खुद शरद पवार स्टेटमेंट कर रहे थे, खुद अजीत पवार स्टेटमेंट कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा, ये इतना जल्दी होगा इसको लेकर एक साल के अंदर घड़ी की सुइयां जो कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह है, उस घड़ी की सुइयां महाराष्ट्र में जिस तरीके से बदली हैं। एक साल पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़कर आते हैं और उसके बाद जो है नया समीकरण बनता है, नई सरकार बनती है, एक साल बाद एनसीपी अब पूरी तरीके से बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में आ चुके हैं। लेकिन आज की तारीख की कोई खास अहमियत, आज अचानक ये घटनाक्रम क्यों? जी देखिए, कुछ दिनों पहले ये तय हुआ था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है होना है, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है पुष्टि करी थी कि कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, लेकिन कैबिनेट का एक्सपेंशन एक तीसरी पार्टी की एंट्री के साथ होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और ये रविवार या फिर आने वाले हफ्ते में कैबिनेट का एक्सपेंशन तय था, क्योंकि 17 तारीख से महाराष्ट्र का सेशन शुरू हो रहा है, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, उसके पहले एक्सपेंशन तय था, लेकिन 9 मंत्रियों के साथ। इसके पहले बीजेपी और शिवसेना के मंत्री Z News।